प्रिय मित्रों, CMPC YouTube चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो लीजिए, आज ये 2016 का RPSC का मैथमेटिक्स का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसका तीसरा पार्ट, पार्ट थ्री, ठीक है। 2016 और पार्ट थ्री, ये मैं आज ले रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आपको पहले दे चुका हूँ, ये पार्ट थर्ड है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, हर एक क्वेश्चन को ठीक तरीके से बताना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है, तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसके लिए मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के अपने 50 तक था, दूसरा 51 से 100 तक था, और तीसरा जो पार्ट है ये आपके 100 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर शामिल होंगे। ये आपका मैथमेटिक्स का RPSC का 2016 का पेपर है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए क्वेश्चन सभी बहुत छोटे छोटे पूछे हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है, ध्यान देना, ठीक है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अल्फा कोण पर झुके हुए दो समान बलों का परिणामी बीटा कोण पर झुके हुए इन्हीं बलों के परिणामी का आधा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसके अंदर चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये हुआ कैसे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर करें, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये और ये सारी की सारी मेहनत आपके लिए है, आपकी सफलता के लिए है। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम और आगे काम करने के लिए मोटिवेट होते रहें, ठीक है। अपने ये आपका अपना ही चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों को भी आप बताएं, सबको इसका फ़ायदा हो, और जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हुआ कैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सीधी सीधी बात है, इसके अंदर दोनों बल समान है, तो परिणामी बल जो है वो अपन R1 मान लेते हैं। R1 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह भी पी स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा, यानी कि ये 2P स्क्वायर cos अल्फा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके R1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 2P स्क्वायर कॉमन ले लें, और ये 1 प्लस cos अल्फा, मतलब R1 स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर, और ये आपके क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, मतलब अब आपके R1 बन जाएगा 2P और cos अल्फा बाई 2, ठीक है। सीधी सीधी बात ये आपके समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी। अब इसके अंदर दूसरी बात इसने क्या कही, देखिए दूसरी इसने कही कि बीटा कोण पर झुके हुए इन्हीं बलों के परिणामी का आधा है। तो दूसरी बार इसमें अंदर अपन क्या करें, जो नया बल होगा इसको R2 मान लें, और वो बन जाएगा सेम ऐसे ही आपके, ये पूरा का पूरा सेम सिस्टम बनेगा, और ये बन जाएगा ओनली 2P cos बीटा बाई 2, ठीक है, मतलब ये हटा दो स्क्वायर। अब यहाँ इसने कहा कि जो आपके है, इसने कहा कि अल्फा कोण पर झुके दो बलों समान बलों का परिणामी बीटा कोण पर झुके बलों के परिणामी का आधा, बीटा कोण पर जो है यानी कि R2 बाई 2 करें ये, तो ये आपके R1 आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो ये आपके देखिए R2 इक्वल टू 2R1, ठीक है, तो R2 आपके क्या आया, ये आ रहा है देखिए 2P cos बीटा बाई 2, और वो वाला है आपके 2 और फिर 2P है ना, ये 2 एक और ले लें और एक 2 और ले लेते हैं, तो 2P cos अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अब आप देख लो ये क्या आ गया आपके cos बीटा बाई 2 है ना, इक्वल टू 2 cos अल्फा बाई 2, ये आपके चौथा वाला ऑप्शन आ रहा है। तो हम इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अल्फा कोण, या ये 102 वाला, एक प्रक्षेपक की क्षैतिज परास 30 इकाई है और वह अधिकतम ऊंचाई 10 इकाई प्राप्त करता है, और प्रक्षेपक कोण अगर अल्फा है वो उसके अंदर अल्फा में क्या रिलेशन है, सीधी सीधी बात भी है, ठीक है। तो हमारे पास में दो चीज़ें हैं, क्षैतिज परास, ठीक है, तो अपन एक काम करें, अपने को मालूम है कि इसके अंदर जो एक प्रक्षेप्य होता है इस प्रकार से, तो अधिकतम ऊंचाई तो होती है h, ये
और क्षितिज परास होती है ये वाली। और आपको मालूम होगा कि एच और आर क्या होगा। देखिए आर क्षितिज परास है तो आर तो आपके होता है यू स्क्वायर साइन टू एल्फा अपॉन जी, और एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन टू जी। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। आपके पास में इसकी वैल्यू तो दे रखी है, एच जो है ना आपके, ये एच आपके दे रखा है अधिकतम ऊंचाई 10, तो ये 10। ठीक है, और परास दे रखा है आपके 30, दोनों को बराबर कर ले। अब इसके अंदर आप क्या करें, इसको लिख दें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 10 इंटू टू जी, और दूसरे वाले को लिख दें आप यू स्क्वायर साइन टू एल्फा इक्वल टू 30 जी। आप इसको डिवाइड कर लें, और डिवाइड करते ही ये कैंसिल, जी से जी कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, मतलब जीरो जीरो से, तो 2/3, और ये बन जाएगा आपके 3 साइन स्क्वायर एल्फा, और ये बन जाएगा आपके 2 साइन 2 एल्फा, मतलब 2 कोस एल्फा साइन एल्फा बन जाएगा, है ना। तो इससे आपके एक साइन से एक साइन कैंसिल, ठीक है, तो ये एक तरह से आपके 10 एल्फा क्या बन गया, देखिए आप साइन कोस नीचे चला जाएगा, तो 4/3, मतलब एक समकोण त्रिभुज में आपको मालूम है कि अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना कि हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर 1, 2, 3, इन सभी के अंदर ध्यान से देखें तो या तो 10 एल्फा है या फिर साइन 2 एल्फा है। तो इधर अपन 10 एल्फा की वैल्यू 4/3 पुट करके देख लें, और इधर अपन साइन 2 एल्फा का, मतलब हमारे पास वैसे साइन 2 एल्फा की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही, चाहे अगर साइन 2 एल्फा तो 2 साइन एल्फा कोस एल्फा, तो ये आपके क्या आ जाएगा 2, और साइन एल्फा बराबर लंब बटा कर्ण, और ये कोस एल्फा आधार बटा कर्ण, ठीक है, ठीक है ना, लंब ये 4 ऊपर आएगा 5 नीचे, तो ये 4×12=24/25 आ जाएगा साइन 2 एल्फा की वैल्यू। अब आप ये क्या करें कि इसके अंदर जैसे इसमें तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको 25 जो लिखा है इसके अंदर देखो 25 और साइन 2 एल्फा का मतलब 24/25+1 है ना, ये लिखा ना 25 साइन 2 एल्फा प्लस 1, तो साइन 2 एल्फा की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, फिर 1 और 9 बराबर 9 और 10 एल्फा प्लस 1, 10 एल्फा क्या है 4/3 प्लस 1, तो इससे आपके ये ध्यान से अगर देखें तो 25 इसमें आ जाएगा, भले आप इसको अंदर गुणा कर लें, ठीक है ना, तो ये आपके इधर देखिए ये वैल्यू पुट करी, ये 24 और 25 आपके कितने हो गए 49, और इधर भी आपके ये 9 इंटू 4/3 प्लस 1 रखा, ठीक है, तो इसके अंदर ये इंटू 9, 9 से 9 कटा 49, ये 49 और ये 49 दोनों आ गए बराबर, तो आपके ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। मतलब कुल मिलाकर के आपको इनकी साइन और कोस की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 103 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है, सीधा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशिष्ट उद्देश्यों की एक विशेषता नहीं है, तो ये चौथा वाला है, ये सामान्यकृत रूप में होते हैं, ये इसके अंदर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105, गणित की उन्नति तथा उस सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन गणित के किस मूल्य को दर्शाता है, ये क्योंकि देश के सुधार की बात कर रहा है तो सामाजिक मूल्य इसमें करेक्ट आंसर होगा। 106 वाला, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी, यह कथन किसने दिया, तो ये क्वेश्चन जाने पहचाने रोजर बेकन का है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है, ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है, तो इसमें ये चौथा वाला ऑप्शन का करेक्ट है, स्थूल से सूक्ष्म। देखिए आगमन निगमन जनरली ये तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन वो बनाता ही है, क्योंकि गणित आगमन निगमन और संश्लेषण विश्लेषण ये कुछ विधियां ऐसी हैं जिनके बिना गणित चल ही नहीं सकती, इसलिए आपको इसको ठीक से स्टडी कर लेना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 109 है, पाठ योजना प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों के कथनों और विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया गया एक शीर्षक है जिसके द्वारा शिक्षक के मार्गदर्शन में दैनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, NL बोसिंग। फिर 110 वाला जो क्वेश्चन है, इकाई उपागम यूनिट अप्रोच किस मनोविज्ञान पर आधारित है, तो ये तीसरा वाला है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, ठीक है ना, जो एक समग्र को लेता है। फिर 111 वाला है, प्रयोजना विधि के अव्यवस्थित सोपान नीचे दिए जा रहे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों और उद्देश्य विकल्पों में से इन सोपानों का तार्किक क्रम बताना है। देखिए, प्रयोजना विधि का जो क्रम अक्सर पूछा जाता है और क्रम इसके अंदर बता रखा है, इसके अंदर सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर इसके अंदर प्रोजेक्ट का चुनाव, उद्देश्य निर्धारण, और फिर इसके अंदर प्रोजेक्ट की योजना बनाना, उसके बाद योजना अनुसार कार्य करना, और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद सारे कार्य का लेखा जोखा। ये इस तरीके से इसके अंदर तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112, विद्यार्थी समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकेगा, यह विशिष्ट उद्देश्य संबंधित है, तो यह बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से है और बोध से दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 113 वाला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसे कहा जाता है। देखिए, सारे ऑप्शन बहुत बड़े दिए हैं लेकिन इसके अंदर मिस्टेक हो गई है और इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। 114 वाला क्वेश्चन कह रहा है, जब विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल इत्यादि के अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान गणित के संप्रतियों का प्रयोग करते हैं, उस समय प्रत्येक विषय का गणित के साथ स्थापित होने वाला यह सहसंबंध क्या कहलाता है। तो ये क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए और इसलिए ये मल्टीलेटरल कॉरिलेशन होगा, गुणांक या बहुपक्षीय सहसंबंध होगा। 115 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती अवश्य ही दोषपूर्ण है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो यह कामटे द्वारा कहा गया है, कामटे का कथन है, इसको आप सही माने। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गणित शिक्षण के दौरान आशुरचित उपकरण के उपयोग को नहीं दर्शाता है, तो इसके अंदर पहला वाला है, दिए गए नाप के त्रिभुज का निर्माण ज्यामिति बॉक्स की सहायता से करना, यह आशुरचित उपकरण के उपयोग को नहीं दर्शाता है। 117 वाला है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शाता है, नहीं, तो इसमें यह चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है, दी गई विषय वस्तु में से अकथित मान्यताओं को पहचानना, है ना, जो आइडेंटिफाई अनस्टेटेड Assumptions। फिर 118 वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, है ना, तो देखो अभिक्रमित वाला भी अनुदेशन वाला भी एक प्रश्न बनता ही है, तो ये तीसरा वाला है, अमूर्तता का सिद्धांत, ये इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा 119 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रदान करना। 120, निम्नलिखित में से कौन सा अभिग्रहित नहीं है, मतलब एक पोस्टुलेट्स नहीं है, तो ये पोस्टुलेट्स वाला है लेकिन ये ऑप्शन सारे ही इसमें सही है इसलिए इसको हटा दिया गया है। अंक गणित में मूलभूत 121 वाला प्रश्न है, अंक गणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया था, ये निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, जीटी बुसवेल और लेनोर जॉन। 122वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि विद्यार्थी को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में डाल सके, यह कथन किसके द्वारा किया दिया गया, तो 122 का यह सही आंसर है, चौथा कनिगम। देखिए, कनिगम ने बहुत अच्छी बात कही है जो एक शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन से कथन सत्य है, कोई दो अपरिमेय संख्याओं के योग और व्यवकलन का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, बी कोई दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, सी कोई दो भिन्न अपरिमेय संख्याएं ए और बी के लिए संख्या ए अपॉन बी अपरिमेय होती है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया इसके अंदर, तो जो असत्य है मतलब सत्य कथन जो है वो पहला वाला है कि कोई दो अपरिमेय संख्याओं के योग और व्यवकलन का
अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकती और नहीं भी, ठीक है, ये आपके सत्य है। तो ये केवल चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर 124 वाला, एक पूर्णांक एवं उसके वर्ग का योग होता है, ये इसके अंदर दूसरा वाला सदैव एक सम संख्या। आप कोई भी पूर्णांक और उसका वर्ग का योग करके देख लें तो आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है 125वां। देखिए संख्या रूट 1452 बटा 1872 होती है, ये किस प्रकार की संख्या है? तो ये एक चौथा ऑप्शन सही है, अपरिमेय संख्या। अब इसका पता आप कैसे लगाएंगे? इसके लिए आप क्या करें, जो संख्या रूट में दे रखी है, ठीक है, उसको नीचे वाले को पढ़ लेने दो, इसके आप अबजगुणनखंड करें। तो अबजगुणनखंड करने में कहीं कहीं एक संख्या जो है अभाज्य आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसके 726, फिर 2 से किया तो ये 36, 3, फिर 3 से किया तो ये 121, और फिर ये 11 से किया 11। ये देख लीजिए, आपके पास में एक अभाज्य संख्या आ रही है लास्ट में 11, और इस वजह से आप इसके अंदर भले इसमें से 11 से 11 बार आ जाएगा तो अभाज्य संख्या ये बढ़ जाएगी, क्योंकि 11 से वापस ये कट जाएगी, तो फिर लास्ट में ये बचेगी, और इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या, रूट में अपरिमेय संख्या बच रही है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 126 देखिए आप, पूर्णांक फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस प्लस फैक्टोरियल 9 में इकाई के स्थान पर अंक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। कैसे हुआ देखिए आप, फैक्टोरियल 1 करें तो 1 रहेगा, प्लस फैक्टोरियल 2 करेंगे तो क्या आएगा 2, तो प्लस 2, फैक्टोरियल 3 करेंगे तो 6, यानी कि ये 6, ठीक है, फैक्टोरियल 4 करेंगे तो ये क्या आएगा 4 × 3 × 2 × 1 पर दोनों 24, तो ये प्लस 24, ध्यान से देखना, और फैक्टोरियल 5 करेंगे तो ये 120 आएगा, ठीक है 120, ध्यान देना। और उसके बाद में आगे से फैक्टोरियल ऐसे ही 6 करेंगे तो हर एक के अंदर 5 जरूर आएगा और 2 जरूर आएगा, यानी हर एक के अंदर 10 मल्टीप्लाई जरूर होगा। तो अब आगे आने वाली सभी संख्याओं में 10 मल्टीप्लाई होगा, मतलब आगे की संख्याओं के अंदर 0 जरूर आ रहा है। तो अब आप केवल इन संख्याओं को जोड़ के देख लें, 4, 6, 4, 10, 10 और 3, 13, तो ये इकाई का अंक 13 बनेगा, और इसलिए ये आपके दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 127, 256 पावर 0.16 इंटू 16 पावर 0.18 का मान है, तो सही आंसर इसके अंदर 4 है। अब ये हुआ कैसे, जो आप देख लें, 256 ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें 256 को क्या लिखा, 4 पर पावर 4 इंटू 0.16, ठीक है, और 16 को लिखा 4 पर पावर 2 इंटू 0.18, बस इसको सोल्व किया तो ये 4 पर पावर 0.64 हो जाएगा, 4 पर पावर 0.36 हो जाएगा, तो आप देखें 0.4 पर पावर 1 आ जाएगा इसके अंदर, दोनों का मतलब आधार समान हो गई, तो ये 4 पर पावर कितनी हो गई 100, यानी कि 1.30, तो ये 4 आंसर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो गया, पहला वाला, ठीक है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 128, तो इसके अंदर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन दे रखा है n ग्रेटर देन 1, पूर्णांकों की संख्या जिससे n, n प्लस 2, n प्लस 4 सभी अभाज्य संख्याएं हो, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इस पैटर्न का क्वेश्चन लगभग उसने हर पेपर में पूछा है, अब इसको आप ध्यान से देखें, हम सबसे पहले इफ n इक्वल टू 1 विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसने मना कर दिया है कि n इक्वल टू 1 आपको नहीं पुट करना है, ठीक है ना। तो अब आप इसके अंदर एक काम करें, आप n इक्वल टू अगर इसके अंदर आप 2 पुट करें, ठीक है, एक से बड़ा रखना है, तो n इक्वल टू 2 पुट किया तो आपके ये n की जगह 2 रखा तो ये 5, इसमें 2 रखा तो 6, पहला वाला रॉन्ग हो गया। अब आप n इक्वल टू क्या रखें, 3, ठीक है, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 देखिए यहाँ n 2 रखा ना, तो 2 और यहाँ 4,
तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब तीन रखा तो एन की जगह पहला तीन, फिर यहाँ रखा तो पाँच, फिर यहाँ रखा तो सात। देखिए आपके पास में यहाँ पर आ गया, भले आप एन इक्वल टू चार पुट करें तो चार इस तरीके से आएगा, तो ये आगे आएगा ही नहीं, है ना। तो आपके ये एन की वैल्यू तीन के लिए, यानी कि केवल एक ही वैल्यू ऐसी जिससे ये सभी अभाज्य संख्या होगी, तो ये चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन सब में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन मोड से करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, 129 वाला, ठीक है, आप उसको वहाँ से देख लेना, सबसे अंत में लूँगा इसको मैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मोड वाला कॉन्सेप्ट बताना है, तो मोड के बेस पर मैं इसको करवाऊँगा। 130 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एसी इक्वल टू बीडी, ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो एक कॉमन वो अभिग्रहित वाला, ये नवी क्लास की बुक का जो अभिग्रहित वाला पार्ट है उसमें से दिया है, तो इसके अंदर आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 131 की अगर बात करें तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है, सी डी समांतर है, ई एफ और जी एच समांतर है, के एल, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, इसके अंदर इसने थीटा का मान पूछा है, ये आपके थीटा है, तो त्रिभुज के मतलब इसके जो समांतर और प्रतिच्छेद रेखाओं वाले नियम पता है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 132, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं का संपाति बिंदु कहलाता है, देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया है, ये अपना केंद्रक होगा, आप जानते हो 2:1 में बांटता है किसी माध्यिका को। फिर 133 वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि दो वृत्तों में समान लंबाई के चाप उनके अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 50 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनके त्रिज्याओं में अनुपात है। देख ये क्वेश्चन जो है 11th क्लास की बुक से दिया है इसने, लेकिन है बिल्कुल सिंपल है, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या से ये पूरा होगा। ये देखिए थीटा वन आर वन इक्वल टू थीटा टू आर टू हो जाएगा, क्योंकि दोनों में चाप की लंबाई समान है, ध्यान रखना समान लंबाई के चाप, ठीक है, तो आपको पता होगा कि कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या होता है, एल अपॉन आर, ठीक है, और इससे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और वैल्यू पुट करते ही ये 5:4 इसके अंदर आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर चलते हम क्वेश्चन नंबर अगला 134, दो भुजाओं 8 और 11 सेमी और परिमाप 32 सेमी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, आप हीरो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये इसमें कर रखा, देखिए आप सबसे पहले आप तीसरी भुजा निकाल लें, क्योंकि आपको पता है कि एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, इससे अपन ने तीसरी भुजा एक्स निकाल ली, तो वो कितनी आ गई आपके 13, ठीक है, यानी कि 8 11 और 13, ठीक है, इससे आप हीरो सूत्र में अप्लाई कर लें, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये 8√30 आंसर आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 134 तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 135, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि जीवा बी सी को बिंदु पी तक पढ़ा जाता है तो कौन डी सी पी बराबर है। देखिए ये डायग्राम देखते ही अपने को पता चलना चाहिए कि एक सिस्टम होता है, एक वृत्त होता है, और उसके केंद्र पर जो किसी चाप द्वारा अंतरित कोण होता है वो परिधि के शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, या यूँ कह सकते हैं, मतलब जैसे अगर ये अगर आपके कोण है, ये अगर आपके जैसे 50 डिग्री है तो ये आपके 25 हो जाएगा, और यही सिस्टम इसके अंदर यूज़ कर रखा है। देखिए ये आपके इसके अंदर 140 है तो ये 70 हो जाएगा, और ये 70 होते ही आपके इसके अंदर इसके सामने वाला ये कोण आ जाएगा, ये एक चक्रीय चतुर्भुज भी बन रहा है, ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, आपको पता होगा ये चक्रीय चतुर्भुज होता है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपके ये और ये दोनों मिलकर के कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना, और इस तरीके से ये कोण और ये कोण 180 डिग्री होता है, तो इस हिसाब से आपके ये 70 से अपन यहाँ आ जाएंगे 110, और ये 12 वाला हो जाएगा 70 डिग्री, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। यदि 136 में कह रहा है कि यदि सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेमी है तो इसका परिमाप बराबर है, ठीक है, परिमाप पूछ लिया है और सम द्विबाहु है तो इसको भी अपन आराम से कर सकते हैं, इसके अंदर दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये देखिए त्रिभुज जो इसमें दे रखा है सम द्विबाहु त्रिभुज है
और समकोण भी है, तो आप देख ले कि इन दोनों को एच एच मान लिया, ठीक है, और आधार इंटू एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई, तो एक बटा दो एच स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। इससे आपके एच क्या आ गया, 4, ठीक है ना, ये 4, ठीक है। तो ये इसने दे रखा ना क्षेत्रफल कितना दे रखा था, 8 वर्ग सेमी, ठीक है। तो ये 8 मतलब इधर हो जाएगा ये 16, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। अब इसके अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय से एच आपके पास में आ गया, तो आप ये निकाल लें। पूछा इसने क्या था, इसका परिमाप, यानी तीसरी भुजा अगर आ जाती है आपके तो परिमाप निकाल लेंगे अपन। तो तीसरी भुजा आपके आ गई है √32, यानी कि 4√2, तो ये 8 + 4√2 हो जाएगा, और ये आपके इसके अंदर आंसर दे रखा है 136 का दूसरा वाला ऑप्शन, 8 + 4√2 सेमी। अगला क्वेश्चन दिया, देखो 137, एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या की दुगुनी है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन भी आपको लास्ट बताऊंगा, ये दो क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं 137 और वो पीछे वाला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लें, क्या है इसने, एक वृत्त की त्रिज्या एन से घटाने पर उसका क्षेत्रफल आधा होता है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। इसमें ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। कैसे हुआ ये कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इधर त्रिज्या को अगर आधा मतलब एन से घटा दें, आर माइनस एन होल स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में अगर पहले वृत्त की त्रिज्या को आधा करें तो वो इसके इक्वल आता है, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, तो अब आपके ये क्या बन जाएगा, आर अपॉन √2 इक्वल टू प्लस माइनस आर माइनस एन, और इससे आपके आर का मान जो आएगा, इसने जो पूछा है आपके क्या आ जाएगा, ये पहला ऑप्शन एन √2 अपॉन √2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा होल स्क्वायर खोलने के चक्कर में आप पढ़ोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 139, इसमें दे रखा है 139 के अंदर, यदि 3 × 3 आव्यूह P के सभी अवयव 1 है तो P² - 3P है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप देखिए 3 × 3 क्रम के मैट्रिक्स है और हर एलिमेंट उसका 1 है, ठीक है। तो देखिए आप किस तरीके की ये मैट्रिक्स बनेगी, ये आपके सामने है, आप देख लें, ये आपके 3 × 3 की मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट 1 1 1 है, ठीक है। और इसने कहा कि P² - 3P, तो P² अगर अपन करते हैं तो इसमें 3 3 3 ये बन जाएगा, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, आप देख लेना इसके अंदर, और इधर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके सेम मैट्रिक्स हो गई दोनों, तो 0 करते ही ये अनल मैट्रिक्स, यानी कि 0 मैट्रिक्स। तो सही आंसर इसके अंदर आपके क्या आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 140 क्या कह रहा है, यदि ए बी सी क्रमशः एक समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे और आर वे पद है, और एक गुणोत्तर श्रेणी के भी पी वे क्यू वे और आर वे पद है, तो ए पावर बी माइनस सी, बी पावर सी माइनस ए, सी पावर ए माइनस बी बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, पहला है 0, दूसरा 1 ए बी सी, चौथा आपके ए बी सी होल पावर ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए सही आंसर इसका 1 है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं APGP के अंदर। अब मैं इस क्वेश्चन को भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ए बी सी जो ए पी के भी पी वे क्यू वे आर वे पद है और जी पी के भी, तो हमने इसको क्या किया, मैंने इसको देखिए सेट कर दिया है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। पी वे क्यू वे और आर वे पद के हिसाब से अपन अगर ए पी की बात करें, ठीक है ना, तो ये ए पी के लिए तो हो जाएंगे ये 3 इक्वेशन जो आपको समझ में आ रहे हैं, ए इसका प्रथम पद है और डी सार्वंतर है और ये ए बी सी दे रखा है। ऐसे ही जी पी की अगर बात करें तो इसमें अल्फा आर पावर पी माइनस 1 ए, अल्फा आर पावर क्यू माइनस 1 बी और अल्फा आर पावर आर माइनस 1 इक्वल टू सी, अल्फा इसके अंदर प्रथम पद है, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने इसके अंदर दो दो को घटा दिया, ए माइनस बी निकाल लिया, बी माइनस सी निकाल लिया, सी माइनस ए निकाल लिया। जब हमारे पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए सभी आ गए, तो मैंने क्या किया, ए पावर बी माइनस सी, बी पावर सी माइनस ए, सी पावर ए माइनस बी की वैल्यू निकाली, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे,
आप देखें b माइनस सी आपके पास दे रखा है ये, तो q माइनस आर इंटू डी रखेंगे, c माइनस ए की जगह अपन क्या रखेंगे, ये r माइनस पी डी, और a माइनस बी की जगह p माइनस क्यू इंटू डी रखेंगे, ठीक है। और a b c की जो वैल्यू हमारे पास में ये दे रखी है, तो इनकी a b c की वैल्यू अपन, यानी कि ये जो कुछ पुट करेंगे वो अपन इस इनकी पावर में करेंगे, कैसे, ये देखिए है ना, ये आप देखें ये a, और उस पर पावर ये पूरा a था, पावर आपके क्या था b माइनस सी, ये b माइनस सी की वैल्यू इंटू, फिर ये b, तो b की पावर q माइनस आर, ठीक है, और उसके ऊपर जो b माइनस सी माइनस ए था, तो r माइनस पी इंटू डी इंटू ये आपका c, और c की पावर p माइनस क्यू इंटू डी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किसका आंसर वन लिख दिया, क्योंकि अंदर इसको गुणा करेंगे, देखिए ये पद जो आ रहा p माइनस वन क्यू माइनस आर, ठीक है, फिर प्लस q माइनस वन और r माइनस पी, फिर प्लस r माइनस वन और p माइनस क्यू, डी तो बाहर रह जाएगा, ये सेम ये पावर किसके ऊपर रहेगी, r के ऊपर, और सेम पावर एल्फा के ऊपर भी रहेगी, तो इसके ऊपर भी पावर जीरो आ जाएगी, और ये सब आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे सिमेट्रिक दिख रहे हैं, तो आप इसमें डायरेक्ट जीरो कर देंगे, तो ये किसी की पावर अगर जीरो होती तो उसकी वैल्यू वन होती है। हर चीज़ को अपने को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं, हम एक सिस्टम से देख सकते हैं कि उसका आंसर जो आएगा वो जीरो आएगा, तो आर की पावर जीरो बनती है, इसका वन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, यदि ए 1 2 3 4 5, तो ए के उप समुच्चयों की संख्या जिसमें अवयव दो है परंतु चार नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपके आठ होगा। ये कैसे हुआ आप देख लें, दो अवयव वाले सबसेट्स अपन देख लेते हैं, 2 1 2 3 2 4 2 5, 2 अकेला 2 1 3 2 3 5, 1 2 3 5, ये दो अवयव वाले, ठीक है ना, तो दो वाले, और इसके अंदर इसने मना कर दिया था कि चार नहीं है, तो इन सभी के अंदर अपने को दो हो पर चार नहीं हो, ठीक है ना, इसके अंदर चार वाला आ गया है तो ये रॉन्ग हो गया, इसकी जगह 2 1 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए आपके ये आठ इसके हो रहे हैं, तो इसमें खाली सेट करना पड़ेगा, इसमें और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 142 में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ नहीं पूछा है, यहाँ सीधा सीधा केवल एक एक ही आच्छादक वाली बात कर रहा हूँ, रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो एफ एक्स ई पावर एक्स है, तो सीधी सीधी बात है, इसके अंदर अगर अपन ध्यान से देखें तो जैसे अपन एक काम करें, एफ आर से आर में और आपके एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स है, ठीक है, तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, अगर आप एक्स इक्वल टू वन पुट करें, कुछ पुट करें, ठीक है, तो ये ई पावर वन आ जाएगा, वाई इक्वल टू भले एफ एक्स कहो, ठीक है, अगर एक्स इक्वल टू दो पुट करो तो वाई इक्वल टू दो, यानी कि इंडिविजुअल सब अलग अलग आएंगे, तो ये आपके एक तरह से वन वन तो हो गई, ठीक है। अब अपन दूसरा देख लेते हैं कि अगर वन वन हो गया, अब अपन आच्छादक की बात करें, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं कि इस पूरे को वाई लिख लेते हैं, एक तो जो तरीका अपन जानते हैं, ठीक है, और ऐसे कंडीशन में अपन इससे एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, इसमें इसके दोनों तरफ आप लॉग ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स लॉग ई इक्वल टू लॉग वाई, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू लॉग वाई और बेस ई हो जाएगा। तो आप देखें कि वाई मतलब ये जो टर्म है नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, और इसलिए ये आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है, ठीक है, और इसलिए ये केवल एक एक ही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 143, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर को संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों के क्रमित युग्मों एक्स वाई की संख्या पूछी इसने, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है आठ। अब ये हुआ कैसे, इसको आप देखना,
एक बात कहना चाहूंगा, ये इस तरह का क्वेश्चन लगभग उसने हर एक के अंदर पूछा हर पेपर में, तो आप इसको ठीक से समझ लें, आपको इसको सेट करना पड़ेगा। कैसे देखना आप, ये मैंने इसको फंक्शन को लिख दिया वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4 - 6x - x2। समझना इसको, ठीक है। मैंने इसमें x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करी, 0 पुट करने से हमारे y इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, यानी 0 के साथ में हमारे पास में दो एलिमेंट आ गए, 0 2 और 0 - 2, ठीक है। फिर मैंने x इक्वल टू 1 पुट करा, 1 पुट करते ही ये संख्या रूट में आ रही है, ठीक है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। फिर मैंने x इक्वल टू -1 पुट किया, -1 पुट करने से इसके अंदर y इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। तो देखिए आप, -1 3 और -1 -3 एक जोड़ा ये आ गया। फिर मैंने, अब क्या ये +2 के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि +2 के लिए ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो अपन माइनस में ही लेंगे सारे, भले आप लेके देख लेना। तो -2 लिया तो भी ये काम नहीं कर रहा जी, मतलब ये रूट में ही आ रहा है। फिर x इक्वल टू -3 लिया, ठीक है ना, -3 भी लिया, भले लेके देख लो आप, तो ये आपके क्या बन जाएगा, 4 as it is, ये आपके हो जाएगा प्लस का 18, 18 × 4 = 22, 22 में से 9 घटाए तो 12 आ रहे, जो रूट में है, तो आपकी ये वैल्यू भी काम की नहीं। अब अपन -4 ले लेते हैं, -4 लेंगे तो ये भी काम की नहीं है। हमने x इक्वल टू -5 लिया, देखिए -5 लिया तो ये क्या बन जाएगा आपके 4, और ये बन जाएगा -5 = 7 = 30 और 4 = 34 है ना, 34, 34 में से आप 25 माइनस करें, 5 का स्क्वायर है ना, तो 34 में से आप 25 गए तो 9 बच रहे, यानी कि +-3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपके क्लियर है। तो -5 = 3 - 5 = 3 आ जाएगा, ये माइनस वाला एक और आगे जोड़ा। फिर हमने x इक्वल टू -6 लिया, -6 लेते आपके y इक्वल टू +-2 आ रहा है, तो ये एक और आ गया। तो इस तरीके से देखिए आप, कुल 8 क्रमित युग्म हो गए। अब आप कहें कि नहीं आगे भी तो हो सकते हैं, आगे नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते हैं? आप एक काम करना, यहाँ 7 लेके देखना, ठीक है, अगर 7 लेते हो तो -7 प्लस तो हो गई नहीं, -7 लिया, 7 × 42 और 46 है ना, 46, और ये 49, आप देख लो ये नेगेटिव आ गया रूट में। अब आगे सारी संख्याएं रूट में नेगेटिव आती रहेगी, और इसलिए आपके ये जो जोड़े हैं कुल 8 क्रमित युग्म बन रहे हैं, 8 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, इसलिए आपका इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 143। 143 क्वेश्चन में इसने कुछ नहीं, दो एक सिंपल से वो इक्वेशन दे दिए हैं, जो अपन ने दो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं ना, वैसे इक्वेशन दे दिए और कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से देख लो, यदि a·x + b·y = m तथा b·x + a·y = n, तो y·x बराबर है, हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ नहीं एलसीएम लेकर के दोनों में एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली। ये देखिए, दोनों में इधर इसमें एलसीएम लिया एक्स वाई आ गया, इधर भी एलसीएम लिया एक्स वाई आ गया, और दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करते ही आप देख लो, सिंपल सेट हो गया इसके अंदर, और ये आपके na·mby = ma·nbx, तो y·x की वैल्यू क्या आ गई, ma·nb·ma, ये जो अपने सही आंसर क्या है, ये तीसरा वाला है ना, ma·nb, और ये n है ना, ये n ध्यान रखना, na·mb, यूं नहीं मानना कि सेम है तो कट गए, नहीं कट रहे, ठीक है ना, तो ये आपके तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 145। देखिए 145 क्वेश्चन के अंदर इसने जो मैट्रिक्स दे रखी है a=01 10, तो मैट्रिक्स ए क्या होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स या निलपोटेंट, इनवर्टेड, इनवोल्यूटरी और सिंगुलर। हमें थोड़ी सी इन सारी की जो मैट्रिक्स है इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइडेम्पोटेंट जो मैट्रिक्स है वो a²=a होना चाहिए, यानी उसका उसी से मल्टीप्लाई करे तो वापस मैट्रिक्स आ जाए। निलपोटेंट में a·k = 0 होना चाहिए, आप कोई भी आप रखो तो वैल्यू, तो ये उस पर पावर वैल्यू उसकी रखने पर गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के अंदर होता है a²=i है ना,
और सिंगुलर होता है मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो ऐसे केस में हालांकि मैंने इन सारे मैट्रिक्स को जब फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर कराया, क्योंकि उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने उसके अंदर इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है मैट्रिक्स दे रखी है ए, वो केवल तीसरे ऑप्शन जो है ना अंतर्वलनी मैट्रिक्स यानी कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है उसको सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है, यदि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब समांतर श्रेणी में है, लोग वाई बेस एक्स लोग एक्स बेस जेड लोग जेड बेस वाई गुणोत्तर श्रेणी में है जीपी में है और एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, तो एक्स वाई और जेड है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है वो एपी और जीपी दोनों में है। अब वो कैसे हैं देखना आप, ये जो कह रहा है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एपी में है और लोग, ये मैंने इसको सही लिख दिया नीचे, लोग एक्स वाई लोग जेड एक्स लोग वाई जेड ये जीपी में है, और इसने मतलब तीन शर्त दे रखी है, एक दो और तीन। अगर आप इसको ठीक से देखें, ठीक है, तो इसको आप एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 4^3 कर सकते हो, मतलब आपके एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। और ऐसे केस में आप ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करके देख सकते हो कि ये जो है आपके एक्स वाई जेड वो एपी में भी है और जीपी में भी है, अपन इससे निकाल सकते हैं। बस इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 146 है, यदि शब्द डेंजर के अक्षरों के सभी संभव तरीकों के क्रमचयों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो शब्द जी ए एन डी ई आर की कोटि है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको ये क्वेश्चन कैसे हुआ मैं इसको बाद में लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 148, यदि ए इक्वल टू ए बी सी संबंध आर वन आर टू ए टू ए आर वन इक्वल टू ए बी बी सी सी ए ए ए बी बी सी सी और आर टू इक्वल टू ए बी बी सी सी ए ए ए है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तुल्यता संबंध है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, ये सब पूछ रहा है। तो इसमें आपके दूसरा वाला ऑप्शन इसका दूसरा क्या इसमें चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब ये हुआ कैसे जब अपन देख लेते हैं, भला इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तुल्यता संबंध है परंतु आर टू नहीं है ना, आर वन तुल्यता संबंध है आर टू नहीं है, मतलब कोई नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन आर वन की बात करें, ठीक है, जो दे रखा है। स्वतुल्य की बात करें तो स्वतुल्य में आप देखो ए का ए से है, ठीक है, बी का बी से है, सी का सी से है, तो ये आपके आर वन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है ना, स्वतुल्य हो गया। दूसरा हम सममित की बात करें, अगर ए बी है तो बी ए है क्या, नहीं है, ठीक है ना, बी सी है तो सी बी है, नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक जो है वो भी नहीं है, ये तो था। अब तीसरा संक्रामक की बात करें, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में ए का बी से है और बी का सी से है, ठीक है, तो ए का सी से है क्या, नहीं है, ठीक है, बस ये यही ख़त्म हो गया। इसका मतलब आर वन जो है वो नॉट इक्विवेलेंट, क्लियर। अब अपन बात करें आर टू की, तो यहाँ पर भी सबसे पहले देखें कि ए का ए से है लेकिन बी का बी से सी का सी से नहीं है, तो आपके रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। दूसरी बात हम करें कि ए का बी से है बी का सी से है, ठीक है, तो ए का सी से होना चाहिए जो नहीं है, तो आपके ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा ट्रांजिटिव की बात करें, ए का बी से है बी का सी से है, तो ए का वापस सी से होना चाहिए, मतलब यहाँ सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी, ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए, ठीक है ना, या बी का सी से है तो सी का बी से जो नहीं हो रहा है इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही अपन इसकी बात करें तो ये ट्रांजिटिव, तो ए का बी से है बी का सी से है तो वापस ए का सी से होना चाहिए ना, ये ए का बी से और बी का सी से है ये है, तो वापस ए का किसे सी से होना चाहिए, तो ए का सी से इसमें नहीं है, आप देखो ये भी नहीं है, मतलब आर वन आर टू आर थ्री में से कोई भी अपने तुल्यता संबंध की शर्तें पूरी नहीं करता।
तुल्यता संबंध कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तभी वो तुल्यता होता है, इक्विवेलेंस, ठीक है ना। अगर ये तीनों होते, ठीक है ना, तभी ये इक्विवेलेंस होता, लेकिन या तो केवल एक है, दो है ही नहीं है, इसलिए आपके ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है, यदि 1+√3 आयोटा पावर 12 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वाई पावर 1/12 क्या होगा? सही आंसर है इसका चौथा 0, ठीक है। अब ये आया कैसे? जब बहुत बड़ी पावर दी जाए तो आपको इसको ध्रुवी रूप में कन्वर्ट कर लेना। मैंने 1 को r cos थीटा, √3 को r sin थीटा माना, इससे मेरे r इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। और फिर ये जो टर्म बन रही है ध्रुवी रूप में, इसमें अगर आप देखें तो ये आपके r sin अपॉन r cos, तो ये क्या बन जाएगा, √3 tan में, तो थीटा इक्वल टू आपके आ रहा है π/6। tan 30 की वैल्यू जो है आपके, और सॉरी tan 60 की जो वैल्यू है आपके वो किसकी है, √3 मतलब। तो अब अपन इसके अंदर इसको क्या लिखेंगे, मान लो मैं इसको जेड लिख दूँ, तो ये जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसकी जगह जैसे r cos थीटा प्लस आयटा r sin थीटा पावर 12, और ये आपके r तो 12 आ जाएगा और r की वैल्यू आपके 2 है, ठीक है। तो भले आप अंदर ही पढ़ा लेने दो और चाहे तो बाहर ले लें, तो ये 12 हो जाएगा, और अब अंदर बन रहा है ये cos थीटा, तो मैं इसको cos 12 थीटा प्लस आयटा sin 12 थीटा कर दूँ। ये कैसे हुआ? ये डी मोवियर्स थ्योरम से हुआ, आपको पता होगा cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा होल पावर n हो, तो ये cos n थीटा प्लस आयटा sin n थीटा बन जाता है। ये आपके क्या है, डी मोवियर्स थ्योरम। हम इसके अंदर 2 पावर 12 करें, और ये cos थीटा की जगह अपने ऊपर 12 था, ठीक है, और तो 12 अपन आगे ले आए, और मतलब थीटा की जगह अपने कितना आया था, π/3, तो 12π/3 आयटा sin 12π/3, ठीक है। और इससे ये आप देखो कि 2 पावर 12, तो ये तो हो जाएगा 4π, यानी कि 1 प्लस आयटा 0 हो जाएगा। तो आपके देख लीजिए, ये आपके 2 पावर 12, और ये x प्लस आयटा वाई, तो वाई कितना आ गया आपके 0, है ना। तो इसलिए हमारा ये आंसर 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 150, यदि मैट्रिक्स ए इक्वल टू x-1 2 2 3 x-1 2 3 3 x-1, तब x के वास्तविक मानों की संख्या जो समीकरण d/dx मोड ऑफ a इक्वल टू 0 को संतुष्ट करे तो होगी। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, वास्तविक मान x के कितने 2 वैल्यूज होंगी, और कैसे हुई, खाली इसको हल कर लिया कुछ नहीं, और हल करते ही आपके इसके अंदर हमने इस जो x का फंक्शन बना तो उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ये देखिए मोड ऑफ a निकाला, तो x-1 होल क्यूब -6x-1 -12x आया, इसका अपन ने कर दिया डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करते ही इसमें जब 0 आ रहा है तो x-1 = ±√6, तो ये x = 1+√6 1-√6, ये आपके 2 वैल्यू आ गई, तो 2 रियल वैल्यूज आपके इसके अंदर आ रही है, और इसलिए ये 150वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके तीसरा वाला होगा। इस तरीके से ये आपके 150 क्वेश्चन पूछे पूरे हुए। अब इसके अंदर मैंने बीच में 2 क्वेश्चन जो छोड़े हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैं उनको वापस लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 129, 59/28 में 7 का भाग देने पर शेषफल है। देखिए ये मेथड आपको कोई भी नहीं बताएगा, और ये क्वेश्चन लगभग इसने हर पेपर में कहीं ना कहीं पूछा है, और इस क्वेश्चन को सही कैसे करना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है मोड वाला बेस है, ए रेजिड्यू क्लास बी और मोड एन, और इसका मतलब होता है कि ए माइनस बी में एन का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ। अब इसको इसमें यूज़ कैसे करते हैं, अगर आपको पता नहीं चले तो जाने दो, आप तो मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे स्टार्ट करें। हमारे पास में था सबसे पहले 59 पावर
28, ठीक है, देखना। आप एक काम करें, आप 59 के अंदर 7 का भाग लगा दें, ठीक है। 7 का भाग आप 59 में लगाएं, 8 बार जाएगा, 56, 3 बच रहे, शेषफल ध्यान देना। अब क्या करें आप, अगली स्टेप में आप 3 ले लें, 3, और 3 पर पावर इसको 28, जो शेषफल आता है उस पर ये पावर 28 ठोक दे, ठीक है। अब क्योंकि 28 अब 3 में और भाग नहीं जा रहा, तो इसको अपन थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ 9 पावर 14, है ना, 3 का स्क्वायर कर दिया। अब 9 में फिर मैं भाग लगाता हूँ किसका, 7 का, जो 7 का देना था, 7 एकम 7, शेषफल क्या बच रहा, 2, ठीक है, ये शेष ध्यान देना, ठीक है। तो अब मैं इस 9 की जगह 2 लिख देता हूं और 2 पर पावर में 14 कर देता हूं, ठीक है। अभी भी गड़बड़ हो रहा है। अब मैं इसको 2 क्या करता हूं, मैं अंदर से पावर ले आता हूं, मैं इसको 2 की पावर एक काम करता हूं, क्या बैठेगा, 4 करूं, ठीक है ना। तो 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब 4 में तो 7 का भाग जा नहीं रहा, ठीक है, एक काम करें। और फिर ये विषम संख्या भी आ गई, अभय संख्या आ गई, तो टुकड़े कैसे करें, कर लेंगे ना, अपन ने पढ़ रखा है, ये लो। और अब ये पावर 4 पर पावर 6 हो गई, ठीक है। तो अब आप इसको 4 को तो ऐसे रहने दें, और 4 में से इसको फिर 2 कर लें, ठीक है ना। तो 2 करेंगे तो ये अंदर क्या बन जाएगा, 16, 4 चौक 16, और ऊपर पावर की 3 रह जाएगी, ठीक है। अब आप 16 में फिर 7 का भाग लगा दें, तो 7 दूनी 14, 2 बचे, शेषफल, तरीका आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4, अब 2 पर पावर आप कितनी लिख देंगे, 3, तो ये 3 2 की पावर कितनी हुई, 3, 8 8 चौक 32, 32 में आप 7 का भाग लगाएं तो 7 चौक 28, कितने बचे शेषफल आपके, 5, ठीक है। तो ये देखिए आपके 5 क्या है, सॉरी कितनी, 4 बच रहे ना, हाँ ये 4, 4 शेषफल बच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके दूसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, 4, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका मेरे हिसाब से, आपको समझ में आ गया होगा, और ये तरीका आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। हालांकि ये मोड सिद्धांत है जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है, लेकिन उसको जाने दो आप, तो जो तरीका मैंने बता दिया बिल्कुल इस तरीके से इसको आप कर लेना, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन अपन ने और छोड़ा है, देखिए ये वाला 137, एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या अंतवृत्त की त्रिज्या की दुगुनी है, तो इनमें से त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, समकोणीय, कौन सा होगा। तो सही आंसर इसका पहला वाला है, समबाहु। अब हुआ कैसे, जो इसने कहा पहले ध्यान से देख लो कि त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या अंतवृत्त की त्रिज्या की दुगुनी है, ठीक है। यहां आप इस डायग्राम को देख ले ठीक से, ये एक त्रिभुज एबीसी है और ये इसका अंतर्वृत्त है आपका, ध्यान से देखना, जिसकी त्रिज्या ओपी को अपन ने स्मॉल आर माना, और ये आपके परिगत वृत्त है जिसकी त्रिज्या ओ ए को अपन ने कैपिटल आर मान लिया, और इसने दे क्या रखा है कि r = 2r, ठीक है, इसको अपन यूज करेंगे। अब आपको अगर पता हो तो r बराबर जो परिवृत्त की त्रिज्या r जो होती है वो आपके ABC/4 डेल्टा, डेल्टा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं आपको त्रिकोणमिति वाला जो पोर्शन है उसके अंदर बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यूज कर लिया, अपन निकालते हैं ना हीरो सूत्र से, S·S − वो वाला, ठीक है। और r = r के लिए होता है Δ/S, ध्यान देना, क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन SS, यानी कि इसका अर्ध परिमाप त्रिभुज का, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को अपन यूज करें, तो दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पर ये आर की जगह ये पुट किया और ये 2 और r, ठीक है। इससे मैंने आगे कैसे बढ़ाया, अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमारे पास जो ऑप्शन था वो क्या था, समबाहु और समद्विबाहु, मैंने समबाहु पहले मान लिया, ठीक है, उत्तर से, और मैंने कहा कि ये ABC तीनों बराबर है, और मैंने तीनों को क्या मान लिया, ए। ऐसा करने से मेरे ABC की जगह AA बन जाएगा, ठीक है, 4, और ऐसा करने से जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का सूत्र भी अपन लिख दिया, √3/4a² इधर मैंने ऐसे लिख दिया, हालांकि इधर मेरे को ये वैल्यू यहाँ पे भी लिखनी थी, तो मैंने आगे सेट कर दिया, देखो ये, तो ये a³ × s
इक्वल टू 2 × 4, फिर मैंने वैल्यू पुट करी इसकी भी क्रॉस गुणा करके, ठीक है। तो ऐसा करने से मैंने ये जो s है वो क्या लिखा, देखो a क्यूब, ध्यान देना, और s की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, वो 3a/2, अपन लिखते हैं ना s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई टू, ठीक है ना। तो मैंने इसकी वैल्यू 3a/2 पुट करी, और ऐसा करके मैंने ये 3a/2 लिखा s की जगह और 2 पर ले आया। आप देखो इसको अगर सोल्व करें तो आपके सब आराम से हो रहा है, ये 4 से ये 4, ठीक है, और इधर आपके ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये a अपॉन √3 बचा, और इधर भी आपके देखो एक a से एक a कैंसिल, और एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो √3 बचा। तो आप देख लो हमारा यहीं पर आंसर आ गया, ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये इस तरीके से आप इसमें ये कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड ग्रेड का 2016 का पेपर कंप्लीट हुआ। तीसरा वाला पार्ट जो RPSC मैथमेटिक्स का सेकंड ग्रेड का 2016 वाला है और हो चुका है प्रीवियस ईयर का, मैंने इसको 3 पार्ट में पूरा कराया है। अगर आपको ये मैटर अच्छा लगा हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, आप शेयर भी करें और अपने साथियों को बताएं, ताकि आपका अपना जो चैनल है CMPC यूट्यूब चैनल, आप उसको भी सब्सक्राइब करें सभी, और इस पेपर से इस कंटेंट से पूरा फ़ायदा लें। हाँ, मैं एक ये बात जोर देख कहना चाहूँगा कि आपके इस वीडियो को लाइक करने, कमेंट करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और काम करें, क्योंकि आपको पता है कि हर क्वेश्चन अलग तरह का है और हर क्वेश्चन के लिए अलग तरह से कंटेंट जुटाना पड़ता है, अलग अलग बुक्स देखनी पड़ती है, और बंद कमरे में बहुत सारा जो है इसके अंदर का कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब जा कर के ये पेपर कंप्लीट होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको मेरे मोटिवेशन के लिए आप ये काम ज़रूर करें, ताकि आपको भी इसका पूरा फ़ायदा मिले और मुझे काम करने के लिए आगे और प्रेरणा मिल सके। थैंक्स।